दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय संत कबीर नगर ज़िले के खलीलाबाद शहर में हूँ, जहाँ पर आज बहुत सारे बच्चों का पेट की परीक्षा होनी है और बहुत सारे बच्चे पहुँच भी चुके हैं। तो ये देखिए, खलीलाबाद शहर जो शायद कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, पूर्वांचल के काफ़ी लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह भी ख़रीदने आते हैं। तो हम एक यहाँ पे आद शक्ति जगदम्बा जो माता समय का स्थान है, देखिएगा ये माता समय का स्थान है, यहाँ पे हम आज इनका दर्शन करेंगे और इनके दिव्य स्वरूप का भी दर्शन करेंगे। तो मंदिर में हम चलते हैं और माता का स्वरूप का दर्शन करते हैं। और यहाँ मंदिर में काफ़ी दुकानें हैं जो माता जी के स्थान पे जो चढ़ाया जाता है उनसे संबंधित सामग्री मिलता है, फूल पुष्प और प्रसाद वगैरह। तो अभी हम आपको अंदर भी माता जी का दर्शन कराते हैं। तो अब हम माता जी के जो दिव्य स्वरूप है उसको देखने के लिए अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी माता जी का दर्शन करें। समय माता का स्थान है, जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो लोग भी माता जी का दर्शन करें। और ये देखिए, हम माता जी के स्थान पे पहुँच चुके हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आज माता जी का दिन नहीं है, रविवार होने की वजह से यहाँ थोड़ा हुजूम कम दिख रहा है आपको। मंगलवार और सोमवार को यहाँ बहुत अधिक तादाद में भीड़ होती है। और अब हम चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां माता जी को खुश करने के लिए श्रद्धालु धूप दीप एवं अगरबत्ती को जलाते हैं। ये मंदिर से बिल्कुल बाहर बना हुआ है, यहां पे सभी लोग धूप दीप जो भी कुछ जलाना होता जलाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा मंदिर भी साफ़ सुथरा बना रहता है। यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग सुविधाएँ दी गई हैं। और अब हम मंदिर के एक पुजारी जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी से हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं और माता जी लोगों की मनोकामनाएं किस तरह से पूर्ण करती हैं। मंदिर की विशेषताएं यही है बाबू, ये पहली बात तो पूर्वांचल की जो है फर्स्ट मतलब प्रथम मान्यता है माता जी का। जी, दिव्य स्वरूप है माता जी का, दिव्य स्वरूप है। और समय जी जो है अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। जी, जो कोई अपने दिल से जो है माता जी का स्मरण करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा बाबा जी, यहाँ जैसे भक्तों का हुजूम जो है कौन कौन से दिन बहुत ज़्यादा रहता है? यहाँ सोमवार और शुक्रवार। सोमवार और शुक्रवार जी। हाँ, और रविवार होने की वजह से हाँ कम है, कल सोमवार को जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ जी। तो बाबा जी का कहने का तात्पर्य था कि यहाँ पे जो भी माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो माता जी के चरणों में आते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर के जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी संत कबीर नगर ज़िले के खलीलाबाद शहर में बना हुआ बहुत प्राचीन माता समय जी का स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग आएँ और माता जी का दर्शन करें और अपने मनवांछित फल को पाएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और माता जी का दर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खूबसूरत स्वरूप है माता जी का। तो अब हम फिर एक बार बाहर आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके, अभी हम और भी कहीं घूमेंगे, उसका आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे इसमें।